देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं यही समझूंगा कि वो लड़की हमारे कॉलेज में इलीगली घुसी है। फिर तो मुझे उसे पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ और उसे पकड़वा देता हूँ। ईशान रुक जा, वो लड़की झूठ नहीं बोल रही है। मतलब उस औरत ने उस लड़की को वहां भेजा था? उस औरत नहीं, तेरी आई है वो। उसे मेरी आई बोलना बंद कीजिए और तू उसे उस औरत बोलना बंद कर। तू ऐसा कैसे कर सकता है शांतनु? जिस औरत ने मेरे ईशान का दिल तोड़ा, इस घर को तोड़ा, तू आज भी उसका कहना मान रहा है? उसके इशारों पर नाच रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है, बता ना मेरे को शांतनु। दादा यकीन मानिए, इतने सालों में ईशा और मैंने कभी बात नहीं की। इतने सालों के बाद उसने मुझे फोन किया, अपने लिए नहीं, अपनी एक स्टूडेंट के लिए जो मुसीबत में है और जिसे हमारे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। छान, अब दे छान। आज भी हुक्म चलाती है, हा? उसकी आदत नहीं गई। उस महारानी ने वहां से हुक्म चलाया और तुम दौड़ पड़े हुक्म पूरा करने के लिए। क्यों? वो हुक्म नहीं दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। वो अपने लिए नहीं, अपने स्टूडेंट के लिए जो जरूरतमंद है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है और ना ही वो लड़की कोई गलती कर रही है। गलती है उस लड़की की, ये गलती है कि वो ईशा भोसले की स्टूडेंट है। और काबिलियत? शन, काबिलियत तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। काबिलियत अभी तक उसने साबित नहीं की शंतनु। दादा मैं भी यही कह रहा हूं, मैं उसे एडमिशन नहीं दे रहा हूं। वो तो कमेटी का फैसला है, मैंने तो सिर्फ उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है ताकि वो अपनी काबिलियत साबित कर सके। और अगर उसने ऐसा किया तो फिर हम उसे एडमिशन देने का सोच सकते हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है ना, कुछ करने से पहले आप सोचते कहाँ हैं? एक इंटरव्यू देने वाली लड़की को आपने मेरे कैबिन में बैठा दिया, पूरी रात रहने की परमिशन दे दी। नहीं, मैंने शुक्ला से कहा था कि तुम्हारे कैबिन में नहीं, मेरे कैबिन में रखे उसे। वो तो शुक्ला ने कोई गड़बड़ कर दी तो। कैबिन तेरा हो या ईशान का, तूने रात भर उस लड़की को हमारे कॉलेज में रहने की परवानगी कैसे दी? अरे कॉलेज है हमारा, वो कोई होटल नहीं है, लॉज नहीं है। और वहां कुछ उल्टा सीधा कर लेती तो किसका नाम खराब होता? यशवंतराव भोसले का, भोसले इंस्टीट्यूट का। कुछ ऊंच नीच हो जाती तो? अगर उसके साथ ऊंच नीच ना हो, इसीलिए मैंने उसे इंस्टीट्यूट के अंदर रहने की परमिशन दी। शहर में अकेली है, कोई नहीं है उसका। मतलब उसके पास रात भर कहीं रहने की जगह भी नहीं थी। उसके बारे में हम क्यों सोचे? ये तो वो सोचेगी जिसने उसे भेजा है। मैं नहीं, किसने क्या कहा क्या सोचा मुझे नहीं पता। मैं बस एक बेचारी लड़की की मदद करने की कोशिश कर रहा था। मैं किसी लड़की को इस तरह रात भर सड़क पे भटकने नहीं दे सकता था ना। जो भी किया मैंने इंसानियत के लिए किया। निभाली आपने इंसानियत, अब कायदे की बात करें। उस लड़की का हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि वो लड़की वैसी ही है जैसी उसकी टीचर। काका साहब आपको पता है जब मैंने उसे कैबिन से बाहर जाने के लिए कहा तब क्या कहती है? फुल एटीट्यूड से कि मैं शांतनु सर से मिले बिना नहीं जाऊंगी और इस कॉलेज में अपनी काबिलियत पे एडमिशन लेके दिखाऊंगी। व्हाट, आर यू सीरियस? ईशान, दादा मैं फिर से कह रहा हूं, मैं उस लड़की को एडमिशन नहीं दे रहा हूं। तो सबका फैसला, किसी एक का नहीं है। ईशान तेरा भी नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसे एक मौका तो दीजिए कि वो अपनी काबिलियत साबित करे, और ईशा के रिकमेंडेशन पे नहीं, सिर्फ उसकी काबिलियत पर। ईशान तो ही कहता है ना कि भोसले इंस्टीट्यूट सिर्फ काबिलियत पर चलती है, सिफारिश पर नहीं। तो फिर उस लड़की को एक मौका देने में क्या प्रॉब्लम है? तो फिर आज देख ही लेते हैं कि उस लड़की में काबिलियत है भी या नहीं। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। अगर आप नहीं होते तो आज सभी उसका ब्याह उस शराबी के साथ हो गया होता और आज वो उन लोगों के जुल्म सह रही होती। आपने वक्त पे आके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने सभी के लिए जो कुछ भी किया ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करता है
बड़ों के हाथ से आशीर्वाद देने के लिए उठनी चाहिए, शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं। और सभी जो भी करेगी ना, उसका सारा श्रेय सिर्फ सभी को जाएगा। मैं तो बस उसकी टीचर हूँ, उसे सही राह दिखा रही हूँ। सभी मुझे मेरी बेटी की तरह है, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, हमेशा। काजी करू ना सुखेरा, एक दिन मेरा भी नाम होगा इस बोर्ड पर। अभी एडमिशन की फाइनल लिस्ट नहीं लगी ना? नहीं नहीं, कल लगेगी। ओ मैडम, आप अभी तक यहीं हो, गई नहीं? वो 15 मिनट में अभी शांतनु सर के साथ मीटिंग है ना, तो एक बार वो हो जाए। मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी, आप जाइए प्लीज। मेरा अपॉइंटमेंट है ना उनके साथ, और बाकी और भी तो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। मैडम वो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके पास यहाँ का आईडी कार्ड है, आपके पास है? नहीं। तो फिर चलिए, एक बार मेरी मीटिंग हो जाएगी, मेरा भी एडमिशन हो जाएगा, तो मेरे पास भी आईडी कार्ड आ जाएगा ना। और एक बार एडमिशन हो जाएगा ना, तो सबसे पहले मिठाई आपको ही खिलाऊंगी। आपकी मिठाई के चक्कर में ना मैडम, मेरा राशन पानी बंद हो जाएगा। प्लीज प्लीज आप चलिए, बाहर चलिए, मुझे शांतनु सर से मिलना है। आपको क्या लगता है कि मैं रामटेक से यहाँ तक इतने दूर से ये कॉलेज देखने आई हूँ? मैं उनसे मिलने आई हूँ, यहाँ एडमिशन लेने के लिए आई हूँ, मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। ये क्या हो रहा है, ये कॉलेज है या फिश मार्केट? ये आधी अधूरी स्टूडेंट कौन है? मैम कल शाम को ईशान सर के मना करने के बाद भी ये कॉलेज में जबरदस्ती घुस गई और सर के कैबिन में जाके सो गई। मैम इस बात को लेकर सर सुबह सुबह इतना गुस्सा करके गए हैं, फिर भी ये है कि समझने को तैयार ही नहीं है। इनको आप कहिए ना कि प्लीज यहाँ से बाहर जाएं। मैं यहाँ शांतनु सर से मिलने आई हूँ, उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। और ये कौन होते हैं मुझे कॉलेज से बाहर निकालने वाले? अरे अनवी, ये तो वही लड़की है ना जिसकी वजह से आज ब्रेकफास्ट की जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है घर में। ठीक है, आप चलिए। जी थैंक यू। सो तुम यहाँ एडमिशन के लिए आई? जी। इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? रामटेक में। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? वहां से भगा दिया था क्या, या फिर वहां भी किसी डायरेक्टर के साथ, किसी डायरेक्टर के केबिन में सो गई थी क्या? Are you sure? तुम यहां एडमिशन के लिए आई हो? क्यों, यहां किसी और चीज के लिए आते हैं लोग? एक्चुअली हाँ, यहाँ सेकंड फ्लोर पे भी इंटरव्यूज हो रहे हैं क्लीनिंग डिपार्टमेंट के लिए। आई एम श्योर कि वहाँ तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए। और हाँ, यहाँ साफ सफाई की जरूरत है, बहुत कचरा भरा हुआ है। इधर उधर कहाँ देख रहे हैं, आपके दिमाग में जो कचरा है मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, उसे भी तो थोड़ा साफ करना होगा ना। आपको क्या लगता है क्लीनिंग स्टाफ होना कोई शर्म की बात है? उल्टा आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए, अगर वो ना हो ना तो अपनी फैंसी हील्स में 2 मिनट भी यहाँ खड़ी नहीं हो पाओगे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और अगर कोई चीज छोटी होती है तो वो है आप जैसे लोगों की सोच। अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करो और दूसरों की रिस्पेक्ट करो। वाह, वंडरफुल, अमेजिंग, व्हाट अ स्पीच मैन। गाइस क्लैप फॉर हर, यार इतनी अच्छी स्पीच दी है, अमेजिंग। यू नो व्हाट मिस रामटेक, तुम्हारी जो ये क्रांतिकारी स्पीच थी ना, आई रियली लव इट। पर तुम्हारी बात में ना एक सच्चाई थी। क्या सच्चाई थी पता है? कैसी सच्चाई? इसकी बातों में इसने खुद साबित किया कि ये कितनी बड़ी गवार है, क्योंकि मैंने हाई हील्स में स्टिलेटोस पहनी हुई। दूरवा, ऐसे किसी को गवार नहीं बोलते। एटलीस्ट बेचारी को मौका तो दो खुद को साबित करने का। अच्छा चलो तुम एक काम करो, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सबके फुटवेयर बताओ कि किसने क्या पहना है। नहीं पता है, कोई बात नहीं। चलो बिना एडमिशन के ना मैं तुम्हारी पहली क्लास ले लेती हूँ। तो आयुष ने जो पहने हैं उसे स्नीकर्स कहते हैं, और जो अनवी ने पहना उसे मूड, इसे बूट्स कहते हैं, समझी? तुम ना वाकई में गवार। पता है हमारे रामटेक में एक कहावत है, अगर किसी की फितरत समझनी हो ना तो उसकी शक्ल नहीं, उसके जूते देखने चाहिए। मुझे नहीं पता कि इन जूतों को क्या बोलते हैं या इनका क्या नाम है, लेकिन इन्हें देखकर तुम्हारा पूरा बायोडाटा मुझे समझ में आ गया। एंड यू आयुष, तुम्हारे स्नीकर्स होंगे अच्छे, बहुत महंगे भी होंगे, लेकिन इनमें जो धूल जमी हुई है ना, इसे देखकर ये पता चल रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कितनी धूल जमी है। मेरा दिमाग देखने के लिए मैं सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से कुछ दिखेगा नहीं ना। कर दी ना,
गंदे दिमाग वाली बात। ये तो इतना पतला है, ये तो इतना मोटा है, वो लड़की इतनी गोरी है और ये इतना काला है, इसकी हाइट इतनी बड़ी है और ये इतनी छोटी है। पता जो ये सब बोलते हैं ना लोग, दुनिया क्या देखती है? दुनिया वो बोलने वाले इंसान को देखती है कि वो इंसान कैसा है। हो गया तुम्हारा? नहीं बाकी है, तुम्हें ही देख लो। तुमने ये जो फैंसी हील्स पहनी है, ओ आई एम सो सॉरी, स्टिलेटोस पहने हैं ताकि तुम इतनी लंबी दिख सको, इससे समझ आता है कि तुम खुद को दूसरों के आगे कितना छोटा समझती हो। कि किराए का जो कॉन्फिडेंस है ना, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। इंसान जैसा होता है उसे खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं। और ये रूप रंग ये सब जो है ना, वक्त के साथ फीका पड़ जाएगा, लेकिन अच्छाई की चमक बरकरार रहती है। अब मेरे ही जूते देख लो, ये महंगे या ब्रांडेड नहीं है, लेकिन इन्हें ऐसे पहनने के अलावा और भी बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होते हैं। दिखाऊं? Stupid! Oops, I'm so sorry. आप लोग तो वैसे ही शर्म से इतने पानी पानी हो गए, ऊपर से मैं। एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है तो मैं चलती हूँ। ओके बाय। शांतनु काका के पास जाना है ना, इसे हम पहुंचाते हैं। एक्सक्यूज मी, शांतनु सर का कैबिन कहाँ है? शांतनु सर का ऑफिस वो तो बिल्डिंग नंबर 5 के 7th फ्लोर पे है। ओके थैंक यू। वेट, उस बिल्डिंग की लिफ्ट काम नहीं कर रही है, तो तुम कैसे जाओगे? मैं मैनेज कर लूंगी, थैंक यू। Good job. Well done. What is this, guys? मैंने गलत रास्ता बताने को क्यों बोला? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इसका एडमिशन हमारे इस कॉलेज में। वो क्या है ना, कुछ लोगों को अपनी सही जगह पता नहीं होती है, इसलिए उन्हें उनकी औकात याद दिलानी पड़ती है। शांतनु सर का कैबिन यहाँ थोड़ी ना है। शांतनु सर का कैबिन बिल्डिंग 1 तीसरे वाले पे है। मैं वहीं से आ रही हूँ, लेकिन किसी ने कहा कि यहाँ पर है। अरे मैडम, आपके साथ जरूर किसी ने मजाक किया होगा, उनका कैबिन वहीं है, तीसरा वाला और पहली बिल्डिंग। ग्यारह 10 हो गया, लड़की अभी तक क्यों नहीं आई है? कहीं बाहर तो नहीं खड़ी है? सभी मिल चुकी होगी शांतनु से। सभी मिले तुमसे? नहीं। क्या? वही कह रहा हूँ कि वो आई नहीं है अभी तक। तुमने उसे कहा था ना 11 बजे आना है? हाँ मैंने बताया था, और वो कॉलेज में ही थी। मैं उससे बात कर दी हूँ। शांतनु प्लीज उसके लिए वेट करना। सुनो थोड़ा जल्दी करो प्लीज, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। मैं फोन कर रही हूँ सभी को। शांतनु सर, आपको बुलाया है। किसने? राव साहब ने। डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई ना सर। मैं वहीं जा रहा था। शुक्ला सुनो, वो लड़की कल मिलने आई थी ना मुझसे, वो फिर से आएगी, उससे कहना यहीं रुके। अच्छा, वो अब तक यहीं है? हमको लगा था ईशान सर का डांट खा के ना वो यहाँ से 9:00-11:00 हो गई होगी। सर अब अपनी विशेष टिप्पणी अपने पास ही रखिए, जितना कह रहा हूँ उतना करिए। लड़की आएगी, उससे कहिए यहीं रुके। समझ गए सर, इतने भी नासमझ नहीं है सर। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर। शांतनु सर का केबिन कहाँ है? यही है। थैंक यू। लेकिन वो यहाँ है नहीं, दरअसल आप आने में विलंब कर दिए। सर तो अभी जस्ट गए हैं। कहाँ गए? कॉन्फ्रेंस रूम में, यहाँ से 5 क्लास के बाद ही है। ओके थैंक यू।
अरे शुक्ला, तुम तो बहुत बड़े वाले हो यार। शांतनु सर तो बोले थे कि इनको यहीं पे रोकना है, तुम भेज दियो इनको कॉन्फ्रेंस रूम में। वहां तो डायरेक्टर सबका विचार विमर्श चल रहा होगा ना जी। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। अब सबको पता है कि सेशन शुरू हो गया है, करिकुलम में बदलाव की जरूरत है, इसी विषय पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। और वैसे भी ईशान सर जो हैं, बहुत अच्छे आइडियाज, बहुत अच्छे सुझाव लेकर आए हैं। तो ईशान सर, May I come in, sir? Sorry to disturb you all. I'm Savit Sawan. Shantanu Bhosle sir से मिलना था। तो आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। आई एम शांतनु भोसले। शांतनु सर, क्या चल रहा है सब? बोर्ड मीटिंग चल रही है यहाँ पे। और तुम कभी भी कहीं भी घुस जाती हो ना, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, यही काम है तुम्हारा। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि यहाँ मीटिंग चल रही है। मुझसे कहा गया कि शांतनु सर मुझे यहाँ मिलेंगे, तो मैं यहाँ आ गई। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मुझे नहीं पता। इट्स ओके, रिलैक्स। आई थिंक कोई गलतफहमी हुई। मैंने शुक्ला से कहा था कि उसे मेरे कैबिन में ले जाए और वहाँ वेट करे मेरे लिए। मीटिंग खत्म करके मैं तुम्हें वहीं मिलता। ओके सर, मैं आपके कैबिन में आपका वेट करती हूँ। आई एम सॉरी। शांतनु सर, अब जब ये यहाँ पर आ ही गई है, तो फिर आपको जो भी बात करनी है आप यहीं कर लीजिए। आई थिंक उसकी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप कंप्लीट कर लीजिए। हमारी बोर्ड मीटिंग तो बाद में भी हो जाएगी। ओके सभी, प्लीज अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओ और अपने बारे में कुछ बताओ। सर, मेरा नाम सभी विराज सवान है, मैं रामटेक से आई हूँ। ये पी टीचर का रेफरेंस लेटर। सर, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। इसमें मेरी सारी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है। क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी मैंने टॉप किया, फर्स्ट आई थी। अब रिसेंटली नागपुर में इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन था, उसमें भी फर्स्ट आई। ईशान सर ने ही ट्रॉफी दी थी। सर, यहाँ की स्कॉलरशिप भी मिली मुझे, बस अप्लाई करने के लिए लेट हो गई, इसलिए एडमिशन लेने आई हूँ। यहाँ पढ़ना मेरे लिए मेरे सपनों की ओर पहला कदम होगा। मस्त, एकदम मस्त, एकदम अच्छा। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। ये लड़की ने बोर्ड मीटिंग को जूना मार्केट बना दिया। आई सेल्स पिच। एडमिशन बंद हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, अगले साल ट्राई करना। लेकिन सर अगले साल। सुना नहीं तुमने उन्होंने क्या कहा? एडमिशन प्रोसेस खत्म हो चुका है, अब कोई चांस नहीं है। एग्जैक्टली। और जिस तरह से तुम हमारे कॉलेज के तारीफों को पुल बांध रही हो कि ये तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी है वगैरह वगैरह, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 200 स्टूडेंट की वेटिंग लिस्ट होती है, और एक बार अगर डेट चली गई ना, तो फिर एडमिशन मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब क्या नाम बताया था तुमने अपना? हाँ, सभी। और ये जो रिकमेंडेशन लेटर तुम्हें जिसने दिया है ना, उसे भी बात अच्छे से पता है। वैसे भी हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मार्क्स के जोर पे नहीं मिलती, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है और इंटरव्यू पास करना पड़ता है, समझी? मैं किसी भी टेस्ट के लिए रेडी हूँ, इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ। आई एम रेडी सर। तुम्हारे रेडी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा रेडी होना जरूरी है और हम रेडी नहीं है। तो तुम अपनी टीचर उर्फ ईशा मैम के पास जाकर कह सकती हो कि हम बोर्ड मेंबर्स ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।